यूट्यूब में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम को दबाकर परमंडल की ताजा खबर पाएं सबसे पहले सबसे आगे। पलामू जिला भाजपा प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारी में संगठन स्तर से तैयारियों में जुट गई है। बुधवार को स्थानीय विधायक आलोक चौरसिया के शाहपुर स्थित आवास पर आयोजित वन भोज कार्यक्रम के दौरान भाजपा नेता व कार्यकर्ताओं से इस पर महत्वपूर्ण चर्चा की गई। बैठक के दौरान आगामी 5 जनवरी को चियां के हवाई अड्डा के मैदान में आयोजित ऐतिहासिक कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु सभी आवश्यक बिंदुओं पर गहनता से चर्चा हुई। इस अवसर पर मौजूद भाजपा के प्रदेश मंत्री मनोज सिंह, पलामू भाजपा जिलाध्यक्ष नरेंद्र पांडे व विधायक श्री चौरसिया ने कार्यकर्ताओं से कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की है। विधायक ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होना गौरव की बात है। उन्होंने पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं व समर्थकों से कार्यक्रम में पहुंचने की बातें कही। लोगों ने प्रधानमंत्री जी को कार्यक्रम को देखते हुए अपने क्षेत्र में सारे कार्यकर्ताओं को, क्षेत्र के सभी वर्ग सभी लोगों को कि इतने अच्छे सौगात देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उनको हम लोग भव्य दिल से स्वागत करें और उस स्वागत में जितना हम लोग से बने हम लोग निश्चित तौर पर उनके स्वागत में हम लोग लगे रहेंगे और आने वाला दिन में, और ऐतिहासिक होगा उनके ये कार्यक्रम जिसमें हम तमाम लोग उनके कार्यक्रम में शिरकत लेने के काम करेंगे। और हम लोग प्रशासन के से हम लोग नहीं हैं, हम लोग बस अपना है, हम लोग को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री, वो भी समझिए कि सबसे मजबूत और सबसे लोकप्रिय दुनिया का सबसे मजबूत प्रधानमंत्री हम लोग के बीच में आ रहे हैं, तो हम लोग अपने आप से गौरवान्वित महसूस हो रहा है। आप देखिए 1972 में मंडल जो डैम का जो कार्य चल रहा था वो बंद था, आज तक कभी किसी ने सरकार ये सोचा भी नहीं कि क्या उसके निर्माण होना चाहिए, उसमें काम होना चाहिए, पलामू वासियों को पनाई पानी की व्यवस्था होना चाहिए। आज अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना और देश के प्रधानमंत्री जी इसका नेतृत्व किए तो निश्चित तौर पर आज कहीं ना कहीं हमारा ये कार्य हो रहा है। तौर पर मैं पूरे राज्यवासियों से, पूरे पलामू वासियों से अपील करता हूँ कि अधिक से अधिक इस कार्यक्रम में आए और माननीय प्रधानमंत्री जी के हौसला को उन्नत करने का काम करें।